बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज देखते हैं कि तुंखा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट डॉर्मेट्री कैसी है और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एंट्रेंस है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर हमारी बड़ी प्यारी सी आई हैं जो हर आने जाने वाले को चेक करती हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ है क्योंकि यहाँ पर हमें पहले जो हमसे पहले बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स थे उनके लिए रूम की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो फ्री थी, बट अब जो है वो हमें पे करनी पड़ी। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो क्लासरूम दिए गए हैं, मतलब स्टडी रूम है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और वो आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये हमारा मीटिंग रूम है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पर आते हैं और मीटिंग करते हैं। कुछ इस तरह की इसकी लुक है। फोर्थ फ्लोर पर रहता हूँ तो हम जो फोर्थ फ्लोर का कॉरिडोर है और जो हमें फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं हम इसको विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पर मेन किचन और वाशरूम्स की और बाथरूम दोनों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं, तो मुस्लिम्स के लिए स्पेशली वॉशरूम्स के अंदर मुस्लिम शावर्स की अवेलेबिलिटी भी है। किचन की फैसिलिटी तुंखा यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, बाकी जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं वो आपको सामने भी डॉर्म नज़र आ रहा होगा, उसमें किचन की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, एंटर होते साथ ही हमारे पास कूलर है, यहाँ पर गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है। और देन हमारे पास कुछ इस तरह का है, और देन हमारे पास दो हॉट प्लेट्स हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। और यहाँ पर पिछले साइड पर हमारे पास वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारे जो आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरी यूनिवर्सिटी में या चाइना की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये एक गाइडेंस होगी। क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था और मैंने यूट्यूब पर और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च किया था तो मुझे ऐसा सच कोई एक्यूरेट वीडियो नहीं मिली थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।